वेलकम टू दीरीज़ ऑफ़ मिट्रम एग्जाम्स प्रपेशन ये मिट्टम एग्जाम्स की प्रपेशन सीरीज़ के वीडियो है कम्प्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस फाइव जीरो सेवन की मिट्टम एग्जाम्स की प्रपेशन के लिए लेक्चर नंबर वन से लेकर एलेवन तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं तो शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को सो so, इसमें सबसे पहले ये कि जो डिसीशन हैं ये जो required है रिक्वायर्ड होते हैं कि उनको ले हम आ, डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सो so, ये इंटीग्रल होते हैं हमारी जो डे लाइफ होती है और कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता इनके बगैर भी डिसीजन के बगैर हम कोई भी टास्क जो है वो नहीं कर सकते सो फंडामेंटल रोल होता है डिसीजन मेकिंग का हमारी तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं और ये सेट करते हैं स्टेज डिस्कशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जिसको अक्सर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है सपोर्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो नीड फॉर इन्फॉर्मेशन इन्फॉमेशन की नीड की हम बात करते हैं सो so, इन्फॉमेशन जो वो एसेंशियल होती है जाहिर बात है रिक्वायर्ड होती है जो अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है और राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉमेसन एट द राइट टाइम इज़ क्रोशल यानी कि जितनी इन्फॉमेसन हमें चाहिए जाहिर बात है उतनी ही मिलनी चाहिए और सही वक्त मिलना क्रूशल होता है सो क्रूशल लिंक होता है गुड इन्फॉर्मेशन और इफेक्टिव डिसीजन के दरमियान विदाउट सफिशेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़्यादा बात है मुश्किल हो सकता है सो सोर्सेस ऑफ़ इन्फॉर्मेशन अब इन्फॉर्मेशन जो है उसके सोर्सेज़ क्या है इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है जाहिर बात है कहीं कही ना कहीं से आएगी सो so, इनफॉर्मेशन के सोर्सेज को क्लासीफाइड किया जाता है एज़ अ प्राइमरी सेकेंडरी या फिर तर्शरी भी डिपेंड करता है औरजिनेलिटी के ऊपर और जो प्रॉक्सिमिटी होती है उसके ऊपर भी सो so, जो प्राइमरी सोर्सेज है अगर हम इनको देखते हैं प्राइमरी जो है वो ओरिजिनल मटेरियल होते हैं सो so अंडरस्टैंड करना प्राइमरी सोर्सेज जो है वो एसेंशियल होता है एक्यूरेट और रिलायबल रिसर्च और एनालिसिस के लिए और उसके बाद फिर सेकेंडरी सोर्सेस आ जाते हैं ये जो है जाहिर बातें लेस इज़िली डिफ़ाइन इनको किया जाता है प्राइमरी सोर्स के मुकाबले में सो so, एम्बिगुटी हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के आसपास अगर हम देखते हैं एम्बिगुटी हम देखते हैं और इसी वजह से होता क्या है कि जो सेकेंडरी और जो तरशरी सोर्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो फ़र्क करना जो है वो डिस्टिंग्विश करना चैलेंजिंग जो है वो हो सकता है और तरशरी सोर्सेज की हम बात करें तो इनको ये जो है अक्सर जो है मोस्ट प्रॉबलेटिक प्रॉब्लमेटिक होती है कैटेगरी के इसको हम डिफ़ाइन करें और एक जो कॉमन डेफिनेशन वो है कंपाइलेशन प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स की एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर सो so वर्क जो कि जिसमें होती है लिस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सोस की स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के अंदर चेंजिंग नीड्स की हम बात करते हैं सो डायनेमिक नेचर है इंफॉर्मेशन नीड की डायनेमिक वो चीज़ होती है जो कि चेंज नहीं रहती एक जैसी नहीं रहती है. और जाहिर बातें चेंज आता है हम टेक्नोलॉजी uh, के अंदर एडवांसमेंट देखते हैं और शिफ्ट हो रही है यूज़र की डिमांड सो so, ये अंडरलाइन करता है कि नीट अडाप्टेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ना व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपली जो है वो एक ग्रुप है ग्रुप होता है जाहिर बात है उसमें जब ग्रुप है तो कई सारे लोग होंगे एटलीस्ट दो, दो लोग तो होंगे सो so, ग्रुप होता है लोगों का जो कि वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के वर्क करते हैं एक कॉमन गोल के लिए उनको उनको जो है वो कॉमन गोल उनको अचीव करना होता है कॉमन गोल वो चाहते हैं और जो साइज़ स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी नाउ दी नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत जो है वो क्यों है जाहिर बात है क्यों ऑर्गेनाइजेशन में सो so, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी एम होता है अचीव करना ऑब्जेक्टिव और ये ले डाउन करता है ख़ुद के लिए और परसुएस के अंदर जिसके बहुत से एक्शन जो है वो अंडरटेकिंग हैं सो so, ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके ऐसे ऑब्जेक्टिव जो अलग से अगर इंडिविजुअल्स करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा ग्रुप के ज़रिए ही वो अचीव किए जा सकते हैं और फिर है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन सो डेटा रॉ फैक्ट होता है जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस और मीनिंगफुल डेटा होता है सो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं अगर सो so, ऑर्गेनाइजेशन के यूनिक एटीट्यूट होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को सो so, डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और कैसे उनका जो साइज़ है स्ट्रक्चर है कल्चर है डिसीजन मेकिंग है प्रोसेस यह इन्फ्लुएंस करता है उनकी डिसीजन इंफॉर्मेशन नीड्स को सो साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं जो साइज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का चाहे वो स्मॉल मीडियम या लार्ज और सिग्निफिकेंटली तौर पर असर डालता है उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर भी सो इन्फॉमेशन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो वो है वो रिक्वायर्ड करती है डिटेल प्लानिंग एफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए दोनों के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए और उसके बाद है फिर नेचर ऑफ बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट सो हमारे पास यहाँ पर थ्री टाइप्स टाइप्स आए हैं बिजनेसिस की जिसके अंदर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बिजनेस सर्विस सेक्टर हो Uh, ट्रेडिंग सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जहाँ पर बनती हैं चीज़ें सर्विस के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है जैसे कि बैंक वगैरह हो गए और ट्रेडिंग के अंदर uh, जो है वो ट्रेडिंग की जाती है सामान को जो है वो सेल किया जाता है एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह पर उसको uh, सेल किया जाता है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से ही ख़रीदा जा सकता है और फिर सेल किया जाता है उनको एंड कस्टमर्स तक या फिर जो मिडिल मैन होते हैं उनको बेचा जाता है तो उनको हम ट्रेडिंग सेक्टर कहते हैं नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पिरामिड टॉल हिरारकल सो हिरारकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं अगर सो हेरारिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर्ड होती है जहाँ पे क्लियर लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है कि किसकी जो है क्या अथॉरिटी है और कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है काम कर रहा है सो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हर एंटिटी जो है वो सब होती है किसी हायर एंटिटी की सो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है इसमें जो है वो बहुत कम या कोई भी लेवल नहीं होते हैं मैनेजमेंट के स्टाफ्स और मैनेजर्स के दरमियान और ये बात है उससे हटके हैं जो हेरारकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर फ्लैटर और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर देखने में आता है कल्चर ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नीफिकेंटली इन्फ्लुन्स करता है कि कैसे लोग और ग्रुप इंट्रैक्ट करते हैं अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी तो ये जो है कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है मैनेजमेंट स्टाइल्स की हम बात करें अथोरिटेटिव स्टाइल होता है मैनेजमेंट का डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं तो अथॉरिटेटिव भी उन्हीं में से एक स्टाइल है डिफरेंट स्टाइल में से अथॉरिटेटिव भी एक स्टाइल होता है सो so, अथॉरिटेटिव के अंदर जो अथॉरिटेरियन मैनेजर है वो खुद से सारे डिसीजन करता है और डेमोक्रेटिक के अंदर बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह होता है कि एम्प्लॉज़ को भी अलाउ किया जाता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा डालते हैं और इसके अलावा मिक्स मैनेजमेंट अप्रोच होती है या मैक्स मैनेजमेंट स्टाइल होता है जिसके अंदर दोनों के फीचर्स शामिल होते हैं अथॉरिटेटिव के भी और जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच है या डेमोक्रेटिक क्रेटिक अप्रोच है उसकी तरह डिसीजन मेकिंग अप्रोच की अगर हम बात करते हैं सो so स्ट्रक्चर जो है प्रोसीजर्स यहाँ पर प्री डिफाइंड होते हैं सॉल्व करने के लिए रूटीन रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स को और नन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं सो so जब प्रॉब्लम रिक्वायर करती है इंडिविजुअल जजमेंट एवेल्यूशन और इनसाइट वे, वेरी करते हुए केस टू केस बेसिस के ऊपर सो so इन दोनों अप्रोचेस में क्या है कि एक के अंदर तो जो है वो ये कि है स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बेस्ड डिसीशन है जबकि दूसरे में डिमांड कर रहा है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इवेल्यूशन और जजमेंट नाउ ए बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस एन्वायरमेंट के अंदर तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स आ हैं जो कि इंपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और ये इंट्रोड्यूस करता है आइडिया एक्सटर्नल फैक्टर का जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और उसकी जो भी परफॉर्मेंस वगैरह होती है उसको भी सो एलिमेंट्स ऑफ एन्वायरमेंट अब एलिमेंट्स की हम बात करेंवायरमेंट के सो so, जो की एलिमेंट्स होते हैं बिज़नेस इन्वामेंट के उसके अंदर हमारे पास लीगल आ जाते हैं कानूनी तौर पर जो इशू हैं एथिक्स अखलाकियात जो होती है इकोनॉमिक्स माशी सूरत हाल सोशल माशरे के और टेक्नोलॉजिकल जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह होती है वो इसमें आ जाते हैं नाउ दी सिस्टम्स वर्सेस प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स और सिस्टम इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है प्रोसीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो सेट होता है इंस्ट्रक्शनस का जबकि सिस्टम्स जो हो है वो कलेक्शन होते हैं लॉजिकली सिक्वेंसड प्रोसीजर्स का अचीव करने के लिए गोल को और पर्पस ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं जो पर्पस है इन दोनों का सिस्टम्स एंड प्रोसीजर हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि एक्सेसिबल होती है जब ज़रूरी हो और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम के इन्हेंस किया जाए वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन सो वैल्यू ऑफ वेल स्ट्रक्चर सिस्टम जो है प्रोवाइड करने में यूजफुल इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली तौर पर उसके बाद ये वाट इज़ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सी बी आई एस जिसको हम कहते हैं सो कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करता है कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ताकि वो परफॉर्म करे और सपोर्ट करें इंफॉर्मेशन सिस्टम को और उसके बाद है फिर वाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम अब क्यों इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है इसको बात है हम यूज़ करते हैं ये क्यों होता है सो मॉडर्न सोसाइटी इंक्रीजिंगली तौर पे हम देखते हैं कि रिलाई करती इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर और ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जो है सिस्टम की आज की वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है और ये कि अब वाटर सिस्टम अब सिस्टम क्या है सिस्टम कलेक्शन होता है इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स का जो कि आपस में मिलके वर्क करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए या कॉमन पर्पस के लिए सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ आप देखते हैं कोई भी सिस्टम लें आप कंप्यूटर सिस्टम को अगर एक एग्जांपल के तौर पर लें तो तमाम जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं तमाम जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो मिलकर वर्क करते हैं तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी अगर एज अ सिस्टम होगी तो उसमें तमाम लोग जो है तमाम उसके हिस्से मिल के वर्क करेंगे सो so, जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं सिस्टम के उसकी हम बात करें कि जो उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं क्या क्या शामिल होता है तो इसमें जो है वो इनपुट एलिमेंट आ जाते हैं रॉ इनपुट होता है रॉ डेटा जो कि इनपुट होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्रोसेसिस आ जाते हैं इसके अंदर कंपटीशन हो गया एनालिसिस हो गया एप्लीकेशन ऑफ एनी मॉडल आउटपुट एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जैसे रिज़ल्ट होता है कंपटीशन या एनालिसिस का और फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रोल मैकेनिज्म ये जो सिस्टम होता है जिसमें शामिल ये होता है कि कंपेयर करना एक्चुअल रिज़ल्ट को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के साथ और फीडबैक सिस्टम होता है हमारे पास यूटिलाइज़ करना फीडबैक को करेक्टिव एक्शन के लिए और ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है एक्सपेक्टेड या फिर जो आइडियल आउटपुट होता है नाउ दी टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम आते हैं ओपन लूप सिस्टम होते हैं जो कि यूज़ नहीं करते आउटपुट इंफॉर्मेशन कंट्रोल के लिए और क्लोज लूप सिस्टम आ जाते हैं हमारे पास ये यूज़ करते हैं आउटपुट फीडबैक इनिशिएट करें कंट्रोल और चेंजेस को भी सो ओपन सिस्टम को अगर हम दोबारा देखते हैं सो so, ये इंट्रैक्ट करते हैं उनके एनवायरनमेंट के साथ रिसोर्स फ्लोज के ज़रिए सो ओपन सिस्टम जो है और उनका इंट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जबकि क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो इंट्रैक्ट नहीं करते जो उनका एनवायरनमेंट होता है उनके साथ नाउ द लेवल्स ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के हम लेवल्स देखते हैं मैनेजमेंट uh, uh, के मैनेजमेंट लेवल के ऊपर भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं फिर टैक्टिकल या फंक्शनल प्लानिंग मिडिल लेवल के मैनेजर और ऑपरेशनल प्लानिंग जो लोअर लेवल के मैनेजर्स कर रहे होते हैं सो फंक्शनल स्ट्रेटजिक प्लानिंग की अगर हम बात करें कि जो फंक्शनल स्ट्रेटजिक प्लानिंग है सो स्ट्रेटजिक प्लानिंग तो रिक्वायर करता है कंसिड्रेशन जो है बहुत से फंक्शनल एरियाज़ का अब ये फंक्शनल एरियाज़ कौन कौन से होते हैं uh, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है चीज़ें बन रही होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाते हैं इसमें और ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं जिसमें लेबर्स वगैरह होते हैं मार्केटिंग आ जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं ये तमाम ये तमाम एक्चुअली फंक्शनल एरियाज होते हैं ये जितने भी आप इस तरह के नामों के डिपार्टमेंट्स देखते हैं वो फंक्शनल बेस्ड होते हैं सो so, इनको हम फंक्शनल एरियाज या रिसोर्सेज हम कहते हैं सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए इसके बारे में अगर हम देखें सो so, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है ये इंटीग्रेट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है इंफॉर्मेशन सर्विसज़ के लिए ओवरऑल फर्म स्ट्रेटी के साथ उसके बाद ये किए एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आई एस और सी बी आई एस सो इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरा करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन नीड्स इवन दो के नीड्स जो है वो वो नीड्स जो है वेरी कर सकती हैं और ये स्ट्रेस करता है जो नीड होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की कि उसको टेलर किया जाए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के लिए उसके बाद है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडर लाइन सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है एक सिस्टम के लिए सो इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एज आ फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर एक सिस्टम जो है वो बेस करता है बिल्ड होता है एक्चुअली उसके बाद है फिर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर से मुराद इन्फॉमेशन जो कि जरूरी होती है और कैसे उन नीड्स को पूरा किया जाएगा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के जरिए और ये ब्लू होता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए और उसके बाद आया था फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एम आई आर एस अब एम आई आर एस जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो एम आई एस है लेकिन जो एम आई आर एस है ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाता है और रिलिवेंट यूज़र तक प्रोड्यूस करते हुए प्री डिफाइंड डिटरमाइंड और प्री डिज़ाइन जो रिपोर्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को uh, की जो प्लानिंग है कंट्रोलिंग है और जो डिसीजन मेकिंग है सपोर्ट सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर ऑफिस सपोर्ट ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पर सो ये जो है डिवाइड करता है सपोर्ट सिस्टम को दो मेन कैटेगरीज के अंदर सो so, जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है इसमें जो है वो शामिल होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्राइमरीली तौर पे जिनका कंसर्न होता है कम्युनिकेशन के साथ इंफॉर्मेशन की आ, आ, ऐसे लोगों से जो कि इनसाइड और आउटसाइड डिफॉर्म है इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें सो so एक इंटीग्रेटेड मेन मशीन सिस्टम होता है प्रोवाइड करने के लिए इनफॉर्मेशन के सपोर्ट करें ऑपरेशन मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग फंक्शन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डी टाइप्स ऑफ डी एस एस डिसीशन सपोर्ट सिस्टम की जो अगर टाइप्स से अगर हम उनको देखते हैं सो ये तो हो सकती है या तो मॉडल ड्रिविन डी एस एस या फिर डेटा ड्रिविन डी एस एस हो सकती है ये उसके बाद आया था फिर डेटा वेयर हाउस डेटा वेयर हाउस एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का सो so, ये लॉजिकल कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का नाउडी डेटा मार्ट डेटा मार्ट सबसेड होते हैं डेटा वेयर हाउसेस के और फोकस होता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के ऊपर और अब कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जिसके जरिए एक डेटा वेयर हाउस जो उसको यूज़ किया जा सकता है और उसमें जो है वो ओलेप है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जिसको कहा जाता है ये अलाउ करता है क्विक एनालिसिस जो समाइज और मल्टी डायमेंशनल डेटा का और एज अ मेथड जो है एनालाइजिंग करने का डेटा जो है वो वेयर हाउस से डेटा माइनिंग होती है सो जो, जो के जाना जाता है के डी डी के तौर पर भी यानी कि नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा बेसिस के तौर पर प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्ट करना नॉलेज जो है वो डेटा वेयर हाउसेस से और उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन यानी सो इसके अंदर फिजिकल मॉडल आ जाता है ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है एक एंटिटी की और नैरेटिव मॉडल भी आ जाता है इसके अंदर स्पोकन ऑन रिटन डिस्क्रिप्शन आता है एक एंटिटी का एज नैरेटिव मॉडल यूज़ किया जाता है डेली मैनेजर की तरफ से और सरप्राइजिंगली ये जो है बहुत कमी इनको रिकोगनाइज किया जाता है एज जा अ मॉडल के तौर पर भी ग्राफिक मॉडल आ जाते हैं ये मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी जो है ग्राफ्स की फॉर्म में या फिर जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है पिक्चर की फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल मॉडलें नाम से ही पता चल रहा है तो जाहिर बात है रिप्रेजेंट करते हैं इक्विजन या फार्मूला जिस तरह से मैथ में इक्वेशंस या फार्मूला होती है रिप्रेजेंट करते हुए रिलेशनशिप एक या ज़्यादा फैक्टर जो कि रिलेट करता है एक दूसरे से किसी दूसरे तरीके से मैथमेटिकल मैथमेटिकल मॉडल्स भी जो होते हैं ये भी ज़ाहिर बात है इनको भी क्लासीफाई किया जाता है जो कि बेस करता है कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे कि यूज़ ऑफ़ टाइम है या फिर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है यानी कि यकीनी सूरत गैर यकीन और लेवल ऑफ उप ऑप्टिमाइजेशन जो है इनके ऊपर सो ग्रुप डी एस एस जो है ग्रुप डी एस एस सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग जो है जोग्राफिकली तौर पर जो डिस्पर्स या फिर जो अन अवेलेबल इंडिविजुअल्स होते हैं सो so, इसको डिजाइन किया जाता है कोलेबरेटिव डिसीजन मेकिंग के लिए उसके बाद इंटेलिजेंट सिस्टम्स आ जाते हैं नॉलेज सिस्टम जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम में खिलाया जाता है एमपावर करता है नॉन एक्सपर्ट्स को कि वो परफॉर्म करें टास्क जो कि प्रीवियसली तौर पर एक्सपर्ट्स जो है वो रिक्वायर थे जिस के लिए सो so, ये ए, ए, इस यहाँ ये एक्चुअली हाईलाइट करता है पोटेंशल जो है वो इंटेलिजेंस सिस्टम का के डेमोक्रेटाइज करे जो है वो एक्सपर्टीज और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एम होता है कि रेप्लिकेट करें ह्यूम टॉट को उसका रेप्लिका बनाए ह्यूमन्स के अंदर ह्यूमन टॉट प्रोसेस का रेप्लिका बनाए मशीन्स के अंदर ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद है फिर एक्सपर्ट सिस्टम एक एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन एक्सपर्ट नॉलेज यूज करते हुए ह्यूरिस्टिक्स और ह्यूरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं सो तो ये जो ए, है प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्निंग के लिए और अक्सर इसमें शामिल होता है रूल ऑफ थम सो कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम अगर एक एक्सपर्ट सिस्टम के हम कंपोनेंट की बात करते हैं जो एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास यूजर इंटरफेस आ जाता है नॉलेज बेस आ जाता है एक फेरेंस इंजन और डेवलपमेंट इंजन भी हमारे पास आ जाता है उसके बाद फिर न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क्स जो वो है वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं जो कि मिमिक करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ह्यूमन ब्रेंस का सो न्यूरल नेटवर्क एज सिस्टम लर्न करते हैं और अडाप्ट करते हैं डेटा से फजी लॉजिक फजी लॉजिक जो है वो एड्रेस करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एम्प्रिसाइज या फिर अनसर्टेन इंफॉमेशन के साथ सो फज़िलॉजिक मैथड जो है डील करने के लिए एम्बिगिटी के साथ और अनसर्टेनिटी के साथ जो भी एम्बिगिटी पाई जाती है कोई चीज़ क्लियर नहीं है वो उसको एम्बिगिटी हम कहते हैं कि उसमें एम्बिगिटी है और अनसर्टेनिटी गैर यकी जो सूरत हाल होती है और फिर एग्ज़ीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होते हैं ई एस एस सो एग्ज़ीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम असिस्ट करते हैं ये सीनियर मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में यूज करते हुए समराइज इन्फॉर्मेशन दूसरे सिस्टम से और स्ट्रेट एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम एज ए टूल जो है वो क्या है किसके लिए हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए तो ये थी आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मेरे ट्रम और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स